नमस्कार, आज आपको सैर कराते हैं एक ऐसे मंदिर की जो केवल पुष्य नक्षत्र के ही इसमें बना हुआ है। यानी जब जब पुष्य नक्षत्र आता है तभी तभी इस मंदिर पे काम हुआ है। तो चलते हैं पुष्य नक्षत्र में बने इस मंदिर की। पुष्य नक्षत्र की थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। पुष्य नक्षत्र यह 27 नक्षत्रों में 8वें क्रम पर आता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि हैं। पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत से सूक्ष्म तारे हैं जो कांति घेरे के अत्यधिक समीप हैं। पुष्य नक्षत्र के मुख्य रूप से 3 तारे हैं जो एक तीर बाण की आकृति के समान दिखाई देते हैं। पुष्य नक्षत्र में बने कोई भी इसका एक अपना अलग ही महत्व है। आप देख रहे हैं, यह इस मंदिर का जब निर्माण हुआ तो यह पुष्य नक्षत्र को ही देख करके हुआ। जब जब पुष्य नक्षत्र आया माह में एक बार, उसी समय पर इसमें काम लगा। ऐसे इस पवित्र मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं और यह मंदिर के बारे में जानकारी मंदिर में जो पूजा करती है माता जी, उनसे आपको दिलाऊंगा ही। अभी आप दर्शन करिए इस पुष्य नक्षत्र की वास्तु की। यह वास्तु जबलपुर के गढ़ा में स्थित है। गढ़ा यानि कलचुरी काल का, रानी दुर्गावती काल का जबलपुर का एक क्षेत्र। गढ़ा यानि गढ़ मंडला, यानि जहाँ मदन महल किला है वहाँ से लेकर के और पूरी यह जो गढ़ा बस्ती है, गढ़ा बजरिया, गढ़ा बस्ती, यह जबलपुर की प्राचीन बस्ती है, सबसे पुरानी बस्ती है। और इस बस्ती के मध्य यह मंदिर प्राचीन समय से स्थित है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इनकी 9वीं पीढ़ी इस मंदिर में है। तो अपन चलते हैं मंदिर में पूजा करने वाली माता जी से इस मंदिर के बारे में कुछ अपन जानकारी लेंगे। इसके पूर्व आपको बता दें कि जबलपुर के गढ़मंडला की राजधानी के रूप में रानी दुर्गावती ने भी गढ़ा में निवास किया है। इस प्रकार से यह एक क्षेत्र है और एक सुंदर क्षेत्र है। माता जी यहाँ पूजा कर रही हैं और इनकी 9वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवा कर रही है। तो माता जी से आपको मिलाएंगे। इसके पूर्व मैं आपको मंदिर के भी अंदर से दर्शन कराता हूँ। यहाँ शिव जी हैं, शिव जी विराजमान हैं, नंदी जी हैं और एक सुंदर मूर्ति है। सुंदर मंदिर है, आप लोग भी अवश्य इस मंदिर को देखने जाएं। तो अपन अभी इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी माता जी से भी लेंगे। आप देखिए कितना सुंदर शिवलिंग है। मंदिर पुष्य नक्षत्र का बना है इसलिए उसका एक महत्व है। सरोज पांडे, हमारे श्रीमान जी का नाम है रमेश पांडे, मॉडल हाई स्कूल में लेक्चरार थे। उनके जमाने में 2500 लोग मैरिट में आते थे। अब वो रिटायर्ड हो गए, अब वो 90 साल के हो गए, तो थोड़े कमजोर हो गए। बस भगवान के पाँव पैर के वो चले जाते बेटा बस। और हम 8वीं पीढ़ी हैं और हमारे बच्चे 9वीं पीढ़ी हैं भैया जी। ये जो मंदिर है आपका, हाँ, ये लगभग कितना प्राचीन होगा, कितना पुराना होगा? तो नौवीं पीढ़ी है। और जिनने मंदिर बनवाया हमारे पराजे, हाँ, हमारे उनकी जिंदा समाधि है। अच्छा। बाहर जो चबूतरी संजीवन समाधि है, है? संजीवन है, हाँ, समाधि लिए हैं, लिए है, समाधि ली है उनने। अच्छा। तो उनकी पूजा जैसे हम मंदिर की करते हम लोग, वैसे ही उनको जल फूल भोग दिया आरती सब कुछ उनकी बाहर है। महाराज क्या नाम है? बरम बाबा। बरम बाबा को बरम बाबा कहने लगे। बरम बाबा की, हाँ, उनकी पूजा करते बेटा। बस इतना ही जाना था। आप लोगों की सेवा 9 पीढ़ी से चला। हाँ, बस बेटा। अच्छा, ये जो आपका जो मंदिर बना है, हाँ, तो ये कोई विशेष नक्षत्र में बना है? कैसे? हाँ, बना है पुष्य नक्षत्र में। चाहे रात के आए चाहे दिन के आए, यानी जब जब पुष्य नक्षत्र, हाँ, आया है। महीने में एक बार आता है, महीने में एक बार आता है, उस समय इसका काम हुआ है। तब ही काम होता, चाहे वो 12 बजे रात के आए, चाहे 4 बजे रात के आए, चाहे दिन के आए। जितने बजे पुष्य नक्षत्र आएगा तब ही काम चालू होगा। और पुष्य नक्षत्र खत्म होने के 10 मिनट पहले काम हथियार सब रख दिए जाएंगे। अच्छा। फिर जब महीने में आएगा, जब अपने मंदिर का आप एक चमत्कार बताइए ना। चमत्कार तो जी नाग महाराज है मैया। नाग महाराज आते हैं। नाग महाराज चाहे जब जरा सी कोई गलती कर जाए, कर जाओ, जैसे तुम गलती कर, कोई औरतें आ गई, अब वो महीने से है, अब मंदिर छिल गया, तो वे अपना रूप दिखाएंगे। दे कष्ट कोई को नहीं देते,
महाराज तो यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग ये देखो ना जो दरवाजे में देखो मंदिर नहीं आते तो पुकारते अच्छा कि अब मंदिर नहीं आए। अभी हम बीच में दो तीन दिन नहीं आए तो हमको ऐसा लगे कि ऐसे बैठे ना ऐसे पाँव के नीचे लगे कि चल रहे हैं। यदि नहीं आते तो आपको क्या अनुभव आता है इस मंदिर? बस यही आजू बाजू सब बैठे पप्पा जी। अच्छा बेटा तो सब पूजा करते हैं पर प्रत्यक्ष चीजें हैं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल कोई दो मत नहीं जाने वाले बात जानते बैठी हैं पर जे हमारे सब आजू बाजू वाले सब जानते जे देखो ना उन्हीं की मूर्ति है नाग महाराज की हाँ। दोनों तरफ देखो जे गणेश जी के पास तक नीचे पूरा नाग महाराज है हाँ पूरे नाग महाराज ये विशेषता है इस मंदिर बिल्कुल हाँ, द्वार पे पूरे नाग बने हाँ, प्रत्यक्ष ही है वो जिंदा है समझो ऐसा नहीं है कि तुम फोटो देख रहे। अच्छा प्रत्यक्ष रहते हैं हाँ, बस देखो बड़े होते उन्हीं को मिला थे दर्शन। अच्छा सबाई को नहीं कही ऐसे हजारों लाखों लोग आउट बेटा पर जिनकी कुछ भक्ति ऐसी रहती कि उनको दर्शन मिल जाते। अब अपन देखते हैं कि मंदिर बाहर से कैसे देखता है और एक विशेषता मंदिर की ओर है कि मंदिर के गुंबज तक पूरी अलग अलग मूर्तियां लगी हुई हैं और वो मूर्तियां बहुत सुंदर है इसलिए मैं आपको मंदिर जो है वो ऊपर छत पे चढ़ कर के और मंदिर का गुंबज दिखाना चाह रहा था तो आप नज़दीक से भी देख सकते हैं गुंबज है और हर सीढ़ी के ऊपर कोई ना कोई भगवान भगवतियाँ विराजमान है। इस प्रकार का यह एक सुंदर वास्तु हमारे जबलपुर में और प्राचीन वास्तु है और इसका हम अवश्य दर्शन